बिल्कुल, अभी सो के उठाऊँ तो अभी नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी टाइम हो गए हैं 7 और आज का दिन है मंडे, तो आज से यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट है। कल का व्लॉग बनाया था, उसमें बताया था आपको कि वीकेंड था, तो उसमें वीकेंड में बहुत ज़्यादा बोर ही गुजरा है, वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा। तो आज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वाले दिन इंसान थोड़ा सा खुश होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना होता है, दोस्तों वाले से मिलना होता है। तो आज यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है, तो अभी नमाज़ पढ़ी है, फजर की नमाज़ पढ़ के अभी टाइम हो गया 7, तो अभी बस रेडी वगैरह होना है, बैग वगैरह पैक करना है और निकलना है यूनिवर्सिटी के लिए। तो अच्छा जी, आपका भाई हो गया रेडी, कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, चश्मा शश्मा पहन लिया, शोहिश वगैरह मार लिया, बताएं ओ यार, कैसा लग रहा है। अच्छा एक और चश्मा भी है मेरे पास, अच्छा ये है। कितनी औसम है यार। बताएं कौन सा पहनूं, ये फिर लग रहा है, वो फिर लग रहा है, दोनों फारिग लग रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये पसंद है ये वाला। तो ये चश्मा वगैरह पहन लिया है, कपड़े वगैरह पहन लिए, तो अब उठा लेते हैं कुछ सामान, जिस तरह बैग वगैरह पैसे वगैरह उठा लेते हैं। पैसे बहुत हैं यार, पैसे ज़रूरत पड़ते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत पैसा है, अरे पैसा हमारे पास बहुत है, तो लेके चलते हैं। डी वगैरह हो गया हूँ, बाइक पे बैठ यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए निकलना है, तो नाश्ते का भी मूड है लेकिन क्लासेस लेट हो रही हैं, तो ओके, इसलिए मिलते हैं आपको यूनिवर्सिटी में। अच्छा तो अंकल जी, ये कब से कब तक होते हैं आप यहाँ पे? मैं जनाब इधर तकरीबन 4 साल से इधर काम करता हूँ, और ये मेरे कंजी सामान वगैरह है, लेकिन असल बात यह है कि मेरे बेटी नहीं है, मेरा बेटी है, वो दीवा है, उसका शहर और पात है, तो मैं उसके साथ रहता हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि बेटी पर मेरे खर्च का हक नहीं है, जब बेटे खर्चा नहीं देंगे तो बेटी पर हक नहीं है, इसलिए मैं इधर हमेशा आता हूँ। और ये मैंने कहा सुबह सुबह जाते हुए कुछ ले लेते हैं इनसे, तो ये इनके पास पड़े हुए हैं मिसवाक, पड़े हुए हैं नेल कटर हैं, मास्क वगैरह हैं। आप इस तरह करें, मुझे एक मास्क दे दें, ठीक है, ये आप मुझे एक मास्क दे दें, और आप मुझे एक ये कंघी दे दें, ठीक हो गया। कितने पैसे हो गए आपके? ठीक हो, ये हम इनको पैसे दे देते हैं अंकल, तो अंकल आपने पैसे रखने, ठीक है, तो जज़ाकअल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, टाइम हो रहा है 8, 8:30 बजे हमारी क्लासेस हैं, तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो चलते हैं अभी। ये जी हमजा, हमजा से मैंने आपको मिलवाना था। जी जी सर। तो हमजा कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये आपको मैं मिलवाता हूँ, ये हमारे उमर साहब, उमर भाई कैसे हैं आप? ये भी हमारे ग्रुप का एक मेंबर है। और ये है जी बासित, बासित भाई बहुत शर्माते हैं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये यूनिवर्सिटी में तरसे हुए आगे पीछे जा रहे हैं, देख रहे हैं जी माहौल। देखो जा ब्लॉग पड़े। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में, ब्लॉग के बारे में, आप ब्लॉग में आ रहे हैं? लोग बस भाई ने शुरुआत की है, सपोर्ट करेंगे भाई को, और ऐसे ही बनाते रहे, व्लॉग अच्छा काम कर रहे हैं, और हम आपके अच्छी है यूनिवर्सिटी, अच्छा दिन गुजरे और सही जा रहा है अभी तक, बस पढ़ाई वगैरह माहौल अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। शेख साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं यार, बस भाई को फॉलो करें, लाइक करें, एंड भाई को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक हो गया। तो फर्स्ट व्लॉग था, फर्स्ट व्लॉग में ग्रुप मेंबर को मैंने लाना था अपने, तो पहले भी आपसे मिलवाया इनको, तो ये हमारे शेख साहब हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है, आपने नोट कर लेना है, क्या नाम है? शेख साहब, शेख साहब बासित शेख,
और ये दूसरे भाई हैं हमारे, ये भाई उमर साहब हैं। उमर भाई कैसे हैं आप? आवाज़ नहीं आ रही, कैसे हैं आप? छुट्टी हो गई है तो घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी उमर साहब, ओके अल्लाह हाफिज़। ये यूनिवर्सिटी से मैं वापस जा रहा हूँ तो अभी बड़ी भूख वगैरह लगी हुई है। यूनिवर्सिटी में कुछ खाया था लेकिन भूख फिर भी लगी हुई है, तो कुछ खाने पीने चलते हैं अभी, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो टेस्ट करते हैं कैसा है। अभी यूनिवर्सिटी से वापस आया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया था। आज मौसम तो बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अभी नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तो मैंने कहा आज ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आपसे शेयर करना था सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में। व्लॉग कैसा लगा आप सबको लाजमी बताइएगा। उसके अलावा स्टार्टिंग है अभी मेरी व्लॉग्स में, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बताते रहना मुझे जो भी मुश्किल, मतलब कोई भी आइडिया हो आपके माइंड में मुझे लाजमी शेयर करना है, नीचे कमेंट्स में बताना है। उसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जब मैं व्लॉग देखा करता था यूट्यूब पे तो मैं कहता था यार सबसे इजी काम है ये व्लॉगिंग करना और एडिट करके अपलोड कर देना, लेकिन अभी आज मेरा दूसरा व्लॉग था तो यार मुझे पता चला है कितनी ख्वारी वाला काम है। पूरा दिन लगा के व्लॉग्स को शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसके अलावा पब्लिक का रिस्पॉन्स भी उस तरह नहीं आता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ व्लॉग को अच्छे से अच्छा बनाने की। व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करिएगा। स्टार्टिंग में मेरा व्लॉग्स हैं, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं मोटिवेट भी होऊंगा और नए नए व्लॉग्स भी बनाऊंगा। अभी ये स्टार्टिंग है इंशाल्लाह, मुझे पता है उस तरह मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।